तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का जेई मेंस का मॉड्यूल। जो डाउट होगा उसे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर टू टू बताना है। कर अ बॉडी इज रोटेटिंग विद 20 रेडियन एट यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोवाइडेड इन एंगुलर रिटार्डेशन। इतना विच टाइम विल बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी सेम एज द इनिशियल वैल्यू इफ द टॉर्क एक्टिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो एक बॉडी है या एक पार्टिकल्स है, पार्टिकल से ही देख लो। एक पार्टिकल मान लो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं। इसकी स्पीड है भी और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और क्वेश्चन का रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में, करा कितने टाइम बाद वो सेम काइनेटिक एनर्जी अटेंड करेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पूछूं कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एक पार्टिकल बस बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब बाद में इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक टर्म बताऊंगा, उससे भी तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर समझ में आ जाएगा। एक पार्टिकल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ, यही काइनेटिक एनर्जी दोबारा अटेंड करे, मास तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब स्पीड पहले पॉजिटिव थी ना, तो बाद में वही स्पीड नेगेटिव हो जाए लेकिन एकदम बराबर हो, तब काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। जैसे एक पत्थर, उस पत्थर को हवा में फेंके तो स्पीड ऊपर की ओर, वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो कोई पूछे कि सेम काइनेटिक एनर्जी कब अटेंड करेगा, जब वेलोसिटी ऊपर की ओर तो ऊपर जाएगा, फिर वापिस वहीं पे आ जाए, तो वेलोसिटी उल्टी हो जाती है ना, ऐसे होती है ना, ये ऊपर से नीचे, दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होता है, अपोजिट, तो तुम कहोगे काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इसमें भी यही है, सर्कुलर मोशन में भी क्या है कि अगर ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऐसे है, लेकिन अल्फा उल्टा है, तो उसके वजह से ओमेगा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, कम होके जीरो, और जब वापिस ऐसे घूमेगा और वापिस घूमते हुए सेम ओमेगा अटेंड कर ले, सेम ओमेगा अटेंड कर ले, तो क्या काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं जाएगी भाई। वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, तो हाफ एम वी की जगह पे आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी सेम तभी आएगा जब ओमेगा का स्क्वायर सेम होगा। इसका मतलब अगर पहले ओमेगा प्लस है तो उस टाइम पे ओमेगा क्या होना चाहिए, एकदम यही ओमेगा होना चाहिए, बट उल्टा हो जाएगा, तो क्या सेम एनर्जी मिलनी चाहिए, बताओ तो, बताओ यस बताओ, सेम मिलना चाहिए। ऐसे घूम रहा ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते जीरो, और फिर उल्टा घूमने लगे, और उल्टा घूमते हुए वो वही ओमेगा अटेंड कर ले जो ओमेगा पहले था, शुरू में था, तो मैं कहूंगा कैंडिडेट सेम होगी। तो जैसे तुम लगाते हो ना वी बराबर यू प्लस ए टी, एकदम उसी तरीके से होता है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा बराबर होना चाहिए, वो डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, तो यहाँ क्या लगाओगे, इनिशियल ओमेगा दिया गया है क्वेश्चन में 20 रेडियन पर सेकेंड, तो फाइनल ओमेगा -20 कर दो, ये इनिशियल +20 कर दो, और क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2 है, तो 2 इंटू टी, इससे टी कितना आ गया 20, 20 40/2, 20 सेकेंड बाद ऐसा होगा। बात समझ में आई, सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अरे अल्फा भी तो निगेटिव है, रिटार्डेशन है ना, तो अल्फा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस किसी को भी डाउट होगा बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5th बताऊं, फिफ्थ यस सर, फिफ्थ फिफ्थ में कह रहा है, पढ़ लेना। अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास एम हुज वर्टेक्स एबीसी हैज द लेंथ एल एल बाय रूट टू एल बाय रूट टू। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट। इस तरीके से एक प्लेट है,
ये लेंथ एल के बराबर है, ये एल बाई रूट टू है, ये एल बाई रूट टू है। इस प्लेट का मास दिया गया एम के बराबर। कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इस एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और बी से पास कर रहा है। एक चीज बताओ, अगर मैं इसी तरीके से एक ट्रायंगल ऐसे बना दो, एकदम इसी तरीके से एक ट्रायंगल ऐसे बना दो, एक ट्रायंगल ऐसा एकदम सेम, ये भी एल लेंथ एल 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 सब लेंथ एल हो जाए, तो क्या ये जो बना ये एक स्क्वायर बन गया? अगर स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया, एक स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है कितना होगा? द आंसर बोलिए। आई बोलिए, एम टोटल मास होता है, एम टोटल मास, एल स्क्वायर अपॉन टू लिखते हो, एम एल स्क्वायर बाई टू है टोटल मास। इस पूरे प्लेट का मास क्या होगा? इसका मास एम 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 एम, तो टोटल हो जाएगा 4m एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूरे सबका है ना, चारों का मिलाकर है ना। अब कोई पूछे नहीं, सिर्फ सिर्फ आप एक का बताइए, सिर्फ इसका बताइए, सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का बताइए, तो चार है ना, तो जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, उतना इसका आएगा उतना इसका आएगा। तो क्या मैं इसी को 4 × I1 कर दूं? I1 क्या? एक की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कोई पूछे I1 की वैल्यू, तो आंसर इज ML स्क्वायर बाय 12। तो समझ रहा क्या कर रहा हूं बताओ। सर, यहाँ पे एम वो स्मॉल प्लेट का मास है। स्मॉल है ना, सिर्फ इस वाले प्लेट का मास यस सर। है, तो टोटल मास लिखोगे ना 4m। स्क्वायर प्लेट में तुम इस एक्सिस को, सॉरी इस 6 नहीं होगा यहाँ पे, 12 नहीं होगा, 6 होता है ना। स्क्वायर प्लेट का अगर मास मान लो ये कैपिटल एम है, लेंथ एल है, तो कोई पूछे इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम बताते नहीं हो एम एल स्क्वायर बाई 6, याद आ रहा है? अरे एम अपॉन ट्वेल्व यस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी बराबर हो गया, तो कह नहीं रहा था एम एल स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर बाई 6 बनेगा, याद आ रहा है? हाँ सर, बताया था क्लास में। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ आया जो मैंने लिखा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट होगा बताना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सिक्स फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ डिस्क इज एम, आंसर इज एम आर स्क्वायर बाई टू। याद करो, कहा था ना डिस्क का एक सेक्शन है, डिस्क का एक सेक्शन का इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, वो थीटा पर डिपेंड नहीं करता, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, याद आ रहा है? सब पीछे आंसर दूसरा अलग भी है। पीछे एम आर स्क्वायर बाय 2 - m 4r/3π का होल स्क्वायर दिया है। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछ रहे हो, फाइंड आउट सी यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, समझ गए तुम? सेंटर ऑफ मास अबाउट कर रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6 होता है। ये डिस्क है, कह रहा इस एक्सिस के अबाउट बताइए, तो ये दूरी डिस्क में सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होती है बताओ? 3r/4π, याद आ रहा है? 3r/4π होता है। और इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें ऑलरेडी पता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एक फॉर्मूला होता है आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई की जगह पे क्या लिखोगे? इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो मास एम इंटू डी क्या है? ये दूरी ना आई सी एम और दोनों एक्सिस पैरल है ना, दोनों के बीच की दूरी 3r/4π का होल स्क्वायर। इससे आई सी एम की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम ए, समझ गए? नहीं समझ आया क्या अभी भी? चला गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। अच्छा 7 में का रेडियस ऑफ गायरेशन, एक कॉपी निकालो, कॉपी में एक वर्ड लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन। कॉपी निकालो, कॉपी में एक वर्ड लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है
कॉपी में लिखना है ये। हाँ ये थ्योरी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद पार्ट टू में आते हैं। पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है अ ब्लॉक हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग रैप ऑन द डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस व्हिच इज हॉरिजॉन्टल विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 एट सम टाइम विद व्हाट स्पीड द ब्लॉक मूविंग डाउन एट द इंस्टेंट। वी इक्वल्स टू आर ओमेगा लगाओगे ना, आर ओमेगा कर दो तो 10 इंटू 0.2 तो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। आई समझ में? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट में कह रहा है क्या फैन इज रनिंग एट स्पीड, अच्छा आरपीएम राउंड पर मिनट फ्रीक्वेंसी होती है, राउंड पर मिनट फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में एक रिलेशन होता है ओमेगा बराबर 2 पाई f, ऐसा कुछ बताया कि नहीं बताया? और ये बताया है? यस सर। हाँ तो अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दिया गया 300 राउंड पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी है 300 राउंड पर मिनट है तो पर सेकेंड में बदल 60 से डिवाइड कर दो आ गया 5 के बराबर। अब उन्होंने क्या पूछा है, इट कम टू बी रेस्ट बाय यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एंगुलर स्पीड 10 तीन सेकेंड हजार क्या 3000 अच्छा 3000 है तो 3000 है तो इसको 50 कर पाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि अब फैन इज रनिंग इतना इट स्विच ऑफ इट कम टू बी रेस्ट बाय यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग इट्स एंगुलर स्पीड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसकी स्पीड धीरे धीरे घटके जीरो हो जाती है द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है तो देखो टाइम कितने सेकेंड में जीरो हो रही है, 10 सेकेंड में। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब है कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। एक फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा जीरो हो गया ना और ओमेगा नॉट कितना है 2 पाई एफ से आ जाएगा तो 2 पाई एफ एफ जगह पे क्या रखोगे 50, डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा नेगेटिव होगा, टाइम कितना 10 सेकेंड, इससे अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 10 पाई, मतलब वो 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहा है। कित कर रहा है कितना चक्कर लगाया जीरो में आने से पहले, तो चक्कर का मतलब होता है कि कितना एंगल घुमा, अगर मैं निकाल दूं थीटा एंगल घुमा तो अगर उसको मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो क्या नंबर ऑफ चक्कर नहीं आ जाएगा? अगर मैं कहूं कि मान लो तुम 4 पाई एंगल घूमे हो टोटल तो कितना राउंड घूम गए 2 4 पाई या 0.2 पाई, ये समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? यस सर। तो अब थीटा निकालेंगे, थीटा का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा अंतिम जीरो हो गया, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में दिया गया कितना, ओमेगा नॉट 2 पाई एफ है ना, 2 पाई एफ, एफ इनिशियल कितना है 50, दिस इज 100 पाई, इसको उठा यहां पर प्लस 2 अल्फा, अल्फा 10 पाई है बट नेगेटिव थीटा, तो पूछे थीटा कितना आएगा तो यहां से आएगा कितना 100 है ना, मतलब 10.4 बनेगा, 10 से 10.3 बनेगा, ये बनेगा पाई स्क्वायर, एक पाई कटेगा ये पाई बाई 2 बनेगा। तो कोई पूछे नंबर ऑफ राउंड थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा कितना इतना तो ये 500 पाई बनेगा ना, ये 500 पाई बनेगा, इसी को 2 पाई से डिवाइड कर दो हो जाएगा 125 राउंड करेगा, 125 तीस में कहीं है ही नहीं, है ही नहीं सर, 250 होगा, 1500 बाय 2 सर, 250 होगा, ओके आंसर इज 250। बात समझ में, मैंने क्या किया है सर, फ्रीक्वेंसी को सर डिवाइड बाय 60 हो गया,
नहीं किया ना, इसलिए क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड लगाना है ना एमकेएस सिस्टम, एमकेएस में बताओ। अरे स्पीड किलोमीटर पर आर होता तो उसको मीटर पर सेकंड नहीं बदलते हो? यस सर बदलते हैं, समझिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सर, 4 4 में कह रहा है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ए एफ डी एस आर इज मेड फ्रॉम अ कॉपर। अच्छा कॉपर का बना हुआ है और किसका है? एक कॉपर का और दूसरा किसका बना हुआ है? दूसरा भी कॉपर का ही है। अच्छा तो रेडियस अलग अलग होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ या रेडियस ये कॉपर प्लेट थिकनेस टी और मेजर यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ रेडियस 2r इज मेड फ्रॉम द कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस टी बाई 2 द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ओके कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है कॉपर का बना हुआ है इसका थिकनेस टी के बराबर और रेडियस आर है और दूसरे का थिकनेस टी बाई टू है, रेडियस क्या है 2r है, 2r तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बताना, आई क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई टू ये बनता है। अच्छा मास को डेंसिटी के फॉर्म लिख लो, डेंसिटी के फॉर्म, डेंसिटी कॉपर का ना, कॉपर की डेंसिटी चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर बराबर ही होगा ना, मास से अलग होगी लेकिन डेंसिटी तो इक्वल ही होगा है कॉपर तो मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। अच्छा इस प्लेट का वॉल्यूम होगा, ये जो डिस्क है वो सिलेंडर होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे थिकनेस टी ये मास बन गया इंटू आर स्क्वायर बाई टू। अब ये बन गया आई, तो आई में देखो ये पाई टी बाई टू कॉमन करके बाहर निकाल लो, पाई रो बाई टू कॉमन करके बाहर निकाल लो, पाई रो बाई टू ये बनेगा टी इंटू आर का पावर फोर। तो जिसका टी इंटू आर का पावर फोर ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो देखो टी और आर का पावर फोर का यहाँ मल्टीपल क्या है, ये यही है यहाँ पे टी और आर का पावर फोर का मल्टीपल, इसमें जब लिखोगे तो ये बनेगा टी बाई टू इंटू आर के पे टू आर का पावर फोर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसका आई है मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका जो आई बी बनेगा आई बी वो ये पाई रो तो सेम बनेगा बस ये अलग से आ जाएगा इतना, तो पाई रो बाई टू सेम आएगा और ये क्या आएगा 16 बनेगा, 16 बाई टू ये बनेगा 8t इंटू आर का पावर 4। इसका मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ज्यादा है, इसका मतलब b के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो a से ज्यादा है। बात समझ में आई? यस सर। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 सर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एलिप्टिकल डिस्क ऑफ मास m रेडियस r सेमी बाय एक्सिस d अबाउट एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस r है, देखो सेमी मेजर एक्सिस ये एलिप्स इस तरीके से होता है, ये एलिप्स है सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, इसका मास m है। तो मुझे बताओ इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा कितना है, ये एम आर स्क्वायर बाई टू से कम है कि ज्यादा है? तो मैंने क्या किया एक सर्कल बना लिया, एकदम आर रेडियस का सर्कल बनाया, अब मास एकदम सेम, ये मैंने सर्कल बना लिया आर रेडियस का, देखो। अच्छा मान लो ये आर रेडियस का है, ये डिस्क है और ये एलिप्स है। अच्छा इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का ज्यादा, अगर मास सेम है, अगर इस प्लेट का मास
आर रेडियस का डिस्क का मास उतना ही है जितना इस इलिप्स का मास है, तो तुम मुझे बताओ इस डिस्क की मोमेंट से ज्यादा आएगी कि इस इलिप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा आएगी? अगर मास सेम है तो किसका ज्यादा आएगा, डिस्क का कि इलिप्स का? डिस्क बड़ा सा है, इलिप्स पतला सा होता है, ऐसे किसकी ज्यादा आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क। डिस्क का ज्यादा आएगी, डिस्क की मोमेंट से ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें ये जो पार्टिकल है इनकी दूरी एक्सिस से क्या है, ज्यादा है, जबकि डिस्क के पार्टिकल की दूरी एक्सिस के पास है। तो जब पार्टिकल एक्सिस के ज्यादा पास आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और जब पार्टिकल एक्सिस से दूर जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब डिस्क की मोमेंट कितना था, एमआर स्क्वायर बाय 2 होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन एलिप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एलिप्स की मोमेंट से एमआर स्क्वायर बाय 2 से कम होगा, बात समझ आया? क्योंकि डिस्क एमआर स्क्वायर बाय 2। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्या फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा था ना सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे, वीडियो ऑन करो। मैंने ये कहा था कि देखो ये डिस्क है, इतना बड़ा सा डिस्क है, एक कितना बड़ा सा डिस्क है और एक पतला सा एलिप्स है और एक्सिस बीच में है, तो मुझे बताओ किसकी मोमेंट ऑफ, अगर मास दोनों का सेम है, एलिप्स का मास और डिस्क का मास एकदम सेम है, तो किसकी ज्यादा आना चाहिए मोमेंट से सेंटर के बाद, किसकी ज्यादा आना चाहिए बताओ, डिस्क का कि एलिप्स का? बताओगे सर? डिस्क क्योंकि दूर है वो सेंटर ऑफ मास से। क्या सर? डिस्क का आना चाहिए क्योंकि वो दूर है सेंटर ऑफ मास से, तो आना चाहिए ना डिस्क, आना चाहिए। और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है सर? एमआर स्क्वायर होती है, एमआर स्क्वायर बाय 2। तो ये ज्यादा होनी चाहिए एलिप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। यस सर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिप्स का है तो मैं कहूंगा कि एलिप्स की मोमेंट से कम आनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में है, लेस देन वाला ऑप्शन है डी पार्ट, तो आंसर इज डी पार्ट। बात समझ में आई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सर, 12। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में कह रहा है कि अगर थीन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4L मास 4M बेंट इनटू इतना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। सुनना, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है W शेप का, ये 90 है। कह रहा है इसका मास M है, लेंथ L है, इसका मास M लेंथ L है, इसका भी मास M लेंथ L है, इसका भी M लेंथ L है। कह रहा है इस एक्सिस को आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। मुझे बताओ जितना इसका आएगा क्या इसका भी उतना ही आएगा, और जितना इसका आएगा इसका भी उतना ही आएगा? तो मैं क्या करूंगा ना, इसका अलग से निकाल लो, इस वाले रॉड का अलग से निकाल के लिख दो, इस वाले रॉड का अलग से निकाल के लिख दो, दोनों को जोड़ दो तो इसका आ जाएगा, और उसी का डबल कर दूंगा तो इसका भी तो आ जाएगा। तो नेट क्या लिखूंगा, इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड की अपने एंड क्या अबाउट, ये जो रॉड है इसके लिए भाई, इस रॉड के लिए एंड है ना, तो इसका अबाउट क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। तुम लिखोगे एम एल स्क्वायर बाई 3 इस रॉड कहोगे, प्लस अब इस रॉड का लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसके सेंटर ऑफ मास अबाउट होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, रॉड के सेंटर ऑफ मास में 12, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस एम इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यह है एल्थ एल का स्क्वायर, प्लस और ये दूरी है एल बाई 2, तो एल बाई 2 का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाई 4। ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका इतना आ गया और इसका इतना हो गया। अब टोटल कोई पूछे क्या इसी का डबलिंग कर दूं, इसका भी वही आएगा। बात समझ आ रहा क्या कर रहा हूं सर? ये ऐसे नहीं कर सकते क्या सर, जो एकदम लेफ्ट में जो रॉड रखा है सर, उसको उसको सर उससे जॉइन कर दे बीच वाले से पॉइंट से, इसके अबाउट, इसके अबाउट निकालना चाहते हो क्या?
सर आपका मार्कर देख लेता हूँ मेरा मार्कर नहीं दिख रहा सर, आप दिख रहा, आप दिख रहा इसके बोर्ड निकाल के रखे, इसके बोर्ड निकाल के पैर अच्छे से रख। नहीं सर, लेफ्ट जो दूसरे कोने में जो रखा है सर, वहां से पैल एक्सेस क्यों लगा रहे? ये तो समझ में आ गया सर, उधर ML square by 3 जो बाहर रहा हमने किया है, ML square by 12 plus वो ML square plus L by 4, उससे अच्छे से वो ना कर दे कोने से लेके। हाँ यहां से अरे सर, फॉर्मूले में ही होता है ना, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर होता है, आईसीएम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ, समझ गया समझ गया। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास में लेना पड़ेगा ना कि एंड लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद अच्छा मीटिंग एंड होगा तो उसी को ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 बाद 14, सर 14 फोर्टीन फोर्टीन बताने के लिए एक बार मीटिंग एंड करते हैं, ज्वाइन करो फिर बताता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ हॉलो क्यूबिकल बॉक्स, हॉलो क्यूबिकल बॉक्स ऑफ मास एम एंड साइड ए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू अपोजिट। वन सेकेंड रुको, ओके। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब ना एक घर है, ये घर है ऐसा, ठीक है, और टोटल मास एम है, साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ ए है, तो एक प्लेट का मास पता है कितना होगा, एम बाई सिक्स। ये तुम्हारा घर है, तुम घर में बैठे हो, तो अगर ये क्यूबिकल है तो इसका मास एम, इसका भी एम, इसका भी एम, इसका भी एम, सबका मास एम है। तो कह रहा है कि ये जो सेंटर है ना, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का निकालूंगा, क्या नीचे वाला का भी उतना ही होगा? बताओ ना जी, अपने कमरे में बैठे yes, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस ऊपर वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाले प्लेट का जो होगा उतना ही नीचे वाला का भी होगा। दूसरी चीज, ये जो साइड वाला दीवार है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा, बाकी इन तीन दीवारों का भी तो वही आएगा, आएगा आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूं कि इस प्लेट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाला प्लेट का और नीचे वाला प्लेट एकदम सेम आएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ये तो एम ए स्क्वायर बाई सिक्स बनेगा ना, इस वाले प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई सिक्स बनेगा, और मास क्या है, एम बाई सिक्स, एम ए स्क्वायर बाई सिक्स इन टू टू कर दो, नीचे वाला क्या भी वही आएगा इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। अब मुझे क्या करना है, इस प्लेट का निकालना है, इस प्लेट का, इस प्लेट की मोमेंट से इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास से निकाल लूं, सेंटर ऑफ मास से, अब फिर पैरल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, इधर ए बाई टू बनेगी ना, तो इसके अबाउट जो होता है ये होता है एम ए एम ए एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है, याद करो एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व का आता है। ये प्लेट है, इस प्लेट का कोई पूछे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तुम बोलते हो एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, जहाँ ये लेंथ ए है, सही है, ये दीवार ऐसे है, इसका अबाउट हो गया एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और फिर पार लक्ष्य थ्योरम यहाँ तक, और ये दूरी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए बाई टू होगी, ए बाई टू। तो मैं लिखूंगा एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर, और इसी का मैं पता क्या करूँ, फोर टाइम्स कर दो, फोर टाइम्स, तो क्या ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात सुन रहे, मैं क्या कर रहा हूं। हाँ सर, ठीक, बस होमवर्क नहीं किया था ना,